यहाँ घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का और आज 11 दिसंबर को वक्त है 100 बात की 1 बात का। चुनाव नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पार्टी बहुमत से अभी दूर है। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। पूरे 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद एनडीए के सहयोगियों ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। तेलंगाना में टीआरएस की शानदार जीत के साथ मुख्यमंत्री केसीआर ने सत्ता में वापसी की और पूर्वोत्तर में मिजोरम से भी कांग्रेस का सफाया हो गया, जहां सीएम ललथन हावला को हार का मुंह देखना पड़ा। भोपाल से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मनोज शर्मा। मध्य प्रदेश के विधानसभा नतीजे अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर रात 12 बजे तक ही साफ हो पाएगी। थोड़ी देर पहले तक आए नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। 111 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं अभी का जो रुझान आ रहा है, जिनमें 77 पर बीजेपी जीत चुकी है, 34 पर आगे है। वहीं 112 सीटों में के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है, जिनमें 86 सीटें कांग्रेस जीत चुकी हैं, 26 पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीएसपी के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। मनोज, ऐसी कितनी सीटें हैं जहां अभी जो मुकाबला चल रहा है उसमें बढ़त जो है वो बहुत थोड़े अंतर बहुत कम है? अभी ऐसी कम से कम ऐसी 30 सीटें हैं जिनमें जो सारा जो 500 वोट के अंदर आगे पीछे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब कांग्रेस में इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि जो 4 निर्दलीय विधायक हैं, जो मुख्य तौर पर कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार थे और वो जीत चुके हैं, तो कांग्रेस उनसे आस लगाकर बैठी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी ये पैदा हो रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी उभर कर कौन आता है, क्योंकि अगर बीजेपी के पास वो सबसे बड़ी पार्टी होने का आंकड़ा होगा तो जाहिर तौर पर वही पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेगी। तो कितने कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस के बागी हैं या कांग्रेस मान के चल रही है, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं लेकिन कांग्रेस के पाले में आएंगे? अभी 4 बागी कांग्रेस की तरफ से सुसनेर, बुरहानपुर और भगवानपुरा और ये बारा सिवनी, 4 जगह ऐसी हैं जहां कांग्रेस से जो थे, जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे उनको टिकट नहीं थी, लेकिन वो बागी के तौर पर चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और वो चुनाव दो उनमें से चुनाव जीत चुके हैं, 2 चुनाव जीतने की कगार पर है। ये 4 लोगों का सपोर्ट कांग्रेस मानकर चल रही है कि अगर हम सरकार बनाने जाएंगे और अगर हमें 3 या 4 विधायकों की कमी होती है, उस स्थिति में हम इनका सपोर्ट ले लेंगे, बीएसपी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि बड़ा सवाल अभी ये है कि 111 112, अगर वो आंकड़ा 112 बीजेपी की तरफ गया तो पहले बड़ी पार्टी बीजेपी होकर सामने आएगी, उस स्थिति में पहले जो दावा पेश करेगा उसके लिए चीजें आसान होंगी। नहीं तो ये जो आप कह रहे हो कि अभी जो हमारे पास जैसे रुझान आ रहे हैं ना, तो 34 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी आगे चल रही है और 26 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस आगे चल रही है। ये 26 और 34 मिला के 60 सीटें हुई। इन 60 सीटों में सीटें ये इधर भी जा सकती हैं, उधर भी जा सकती हैं, यही है मसला। बिल्कुल सही कहा किशोर आपने कि जो इनके बीच में जो फासला है वो 1000 वोट ज्यादा से ज्यादा, आप कहेंगे कि 1000 और 2000, ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। जैसे भोपाल में अभी कुछ देर पहले पता चला था कि 70 वोटों के मतों से पीसी शर्मा आगे हुए थे, उसके बाद फिर रिकाउंटिंग कराएगी, अभी जाके पता चला कि अब वो आंकड़ा 1000 में पहुंचा है। तो इस तरह के आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं और अभी जब तक कि ये फाइनल रिजल्ट ये नहीं आते, जो कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 10 बजे तक हम ये आंकड़े देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक वो आंकड़े फाइनल नहीं आते तब तक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। हैदराबाद में न्यूज 18 नेटवर्क का, वहां पर चलते हैं। श्रेया वहां पर मौजूद हैं। श्रेया, अभी कितनी सीटें हैं जहां पर अभी साफ होना बाकी है? अभी देखिए ऐसा है किशोर, माफ करिएगा, हम लोग थोड़ा यहाँ कुछ मैच करने लगे थे। अभी ऐसा है कि 61 सीट्स अभी भी ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे काउंटिंग चल रही है। 2 से 3 राउंड बचे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा वो बिल्कुल सही है। टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, 10 बजे तक कम से कम टाइम लगेगा, इससे पहले आपको नहीं पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की पिक्चर क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बीजेपी को मिल रही है मध्य प्रदेश या कांग्रेस को मिल रहा है। श्रेया हमें पता है कि ऐसी कितनी सीटें हैं जिनमें मार्जिन जो है वो बहुत कम है, ऐसी कुछ आइडेंटिफाइड हैं सीटें? देखिए ऐसी मैं आपको, क्योंकि लिस्ट 61 की है, उनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिनका मार्जिन 500 से 800 है, लेकिन ज्यादातर जो सीटें हैं उनका जो मार्जिन है 5000 से 8000 के बीच में है। तो ज्यादातर 61 में से ज्यादातर सीट्स में 5000 से 8000 का मार्जिन है। और ये फिर क्लियर कितने बजे तक हो जाएगा? 10:30 मिनिमम। 10:30 मिनिमम किशोर,
10 हम लोग होपफुली बोल रहे हैं, इसको विशफुल थिंकिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन मामला शायद 10:30 तक खिंच सकता है। और ये तो जब तक आखिरी सीट नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहा है। जी एब्सोल्युटली बिल्कुल, कहना मुश्किल है क्योंकि देखिए आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 घंटे में 110, 112, 110, 112 5 घंटे में शायद 6 बार ये आंकड़ा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आ चुका है और जा चुका है। तो अब ये किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी अल्टीमेटली बाजी मार जाएगी। अब देखिए सब यहाँ पे शांत हो गए हैं, ज़्यादातर लोग चले भी गए हैं क्योंकि बाकी स्टेट के रिजल्ट्स तो आ गए हैं, अब सिर्फ मध्य प्रदेश फंसा पड़ा है। मध्य प्रदेश में भी वो 19 या 20 सीटें हैं जहाँ पे मामला बिल्कुल गले पे आके अटका हुआ है, जहाँ पे मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ सीट्स में 50 है, कुछ सीट्स में 100 है, कुछ सीट्स में 300 है, तो मामला उन 19-20 सीट्स में बचा हुआ है। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ, हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह आपको याद है क्या हुआ था, कांग्रेस को 116 का मैजिक फिगर दे दिया गया, उसके बाद बीजेपी का एक फाइट बैक हुआ, बीजेपी को 116 मिल गया और पूरे दिन में 116 का जो आंकड़ा है वो दोनों पार्टीज के पास कम से कम 6 से 7 बार गया। तो आखिरकार होता क्या है फिलहाल पता नहीं, रेस जो है कांटे की है, इस समय कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया श्रेया आपका, लौटेंगे आपके पास जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है, लेकिन अभी भी 1-1.5 घंटा लग सकता है ऐसा लग रहा है। तो एमपी में सीटों की तस्वीर भले ही अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को नई ताकत जरूर दे दी। मध्य प्रदेश की तस्वीर भले ही अभी साफ ना हो लेकिन पार्टी मजबूत होकर उभरी, तो 2 राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी जिनमें राजस्थान भी शामिल है। सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ आने का इशारा मिलते ही जयपुर में जश्न शुरू हो गया। 200 सदस्यों की विधानसभा में 5 साल पहले केवल 21 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस ने जोरदार वापसी की, इसीलिए जीत का जश्न जोरदार रहा। दिल्ली तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखे। नतीजों की तस्वीर साफ होते ही सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम जब जयपुर पहुंची तो राज्य के दोनों बड़े नेता एक साथ दिखाई दिए। दोनों नेताओं की ये कोशिश शायद लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की थी कि सीएम पद को लेकर दोनों में कोई मतभेद नहीं है। राज्य में कांग्रेस के लिए जीत कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि इसका असर सीधा चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस गठबंधन ने कुल 100 सीटें जीती, उसे 79 सीटों का फायदा हुआ राजस्थान में, और जबकि बीजेपी केवल 73 सीटों पर सिमट गई, उसे 89 सीटों का नुकसान हुआ। बीएसपी को भी 4 सीटों का फायदा हुआ, बीएसपी ने 7 सीटें जीती जबकि 19 सीटें अन्य के खाते में गई। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादा फर्क नहीं रहा, दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत करीब 39% ही रहा। बीजेपी को 6% वोटों का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 5% वोटों का फायदा हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी से 0.4 ज्यादा प्रतिशत ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन नतीजों में इस अंतर ने बड़ा फर्क डाल दिया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत रही, इसलिए इस जीत का जश्न भी शानदार रहा। गिनती शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही रायपुर में कांग्रेस के दफ्तर पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। जैसे जैसे रुझानों में कांग्रेस आगे निकलती रही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ता गया। पार्टी के दफ्तर पर महिला कार्यकर्ताओं ने डांस शुरू कर दिया, कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के झंडे लहराने लगे, तो दूसरी तरफ रायपुर में बीजेपी के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा रहा। पूर्व सीएम और बड़े आदिवासी नेता अजीत जोगी ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। माना जा रहा था कि जोगी कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन नतीजे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बड़ी जीत दर्ज कर ली। पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार राज्य की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 67 सीटें हासिल की और उसे 28 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी की जीत का आंकड़ा केवल 15 पर सिमट गया, उसे 34 सीटों का नुकसान हुआ। तो अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी ने 8 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई कि जोगी किंग मेकर नहीं बन पाए। राज्य में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ गया, कांग्रेस ने 43% से ज्यादा वोट हासिल किए, उसे 3% वोट का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी को करीब 33% वोट ही मिले और उसे 8% वोट का नुकसान हुआ। लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम में लगा। मिजोरम में पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इस बार उसे एमएनएफ के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ललथन हवला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, एमएनएफ के खेमे में जश्न शुरू हो गया। उत्तर पूर्व में मिजोरम अकेला ऐसा राज्य बचा था
जहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एमएनएफ ने कांग्रेस से उत्तर पूर्व का उसका आखिरी किला छीन लिया। बीजेपी के लिए मिजोरम से अच्छी खबर आई, क्योंकि पहली बार मिजोरम में बीजेपी का कोई विधायक चुना गया। लेकिन एमएनएफ को मिला बहुमत इतना बड़ा रहा कि उसे किसी किंग मेकर की जरूरत नहीं है। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को इस बार केवल 5 सीट मिली है, उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। एमएनएफ को 26 सीट मिली, उसे 21 सीटों का फायदा हुआ। एक सीट बीजेपी ने जीती, 8 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। एमएनएफ को मिजोरम में करीब 38% वोट मिले, जो पिछले चुनाव से 9% ज्यादा। कांग्रेस को 30% वोट से ही संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव से कांग्रेस को 15% कम वोट मिले। तो तेलंगाना में टीडीपी से गठबंधन करने का कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। केसीआर की अगुवाई में टीआरएस ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया और बड़े बहुमत से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के बनने का श्रेय टीआरएस को ही दिया जाता है, जबकि टीडीपी तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थी। माना जा रहा है कि टीडीपी से हाथ मिलाने की कांग्रेस की चाल उल्टी पड़ गई। हालांकि जीत का श्रेय केसीआर को भी दिया जा रहा है, जो 4.5 साल से राज्य के सीएम थे। लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव कराने से बचने के लिए केसीआर ने विधानसभा 6 महीने पहले ही भंग कर दी। जल्दी चुनाव कराने का केसीआर का फैसला सही साबित हुआ और राज्य में टीआरएस ने बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज की। टीआरएस ने ओवैसी की पार्टी एमआईएम से भी समझौता किया था, लेकिन टीआरएस की अपनी सीटों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि उसे सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। 119 सीटों वाली विधानसभा में टीआरएस को 87 सीटें हासिल हुई, उसे 24 सीट का फायदा हुआ। 21 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान हुआ। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पिछली बार जितनी 7 सीटें ही जीत पाई, तो 4 सीटें अन्य के खाते में गई। वोट प्रतिशत के मामले में टीआरएस के आंकड़े चौंकाने वाले रहे। 47% वोटर ऐसे रहे जिन्होंने टीआरएस के पक्ष में वोटिंग की। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को करीब 29% वोट ही मिले। सौबात की एक बात यह कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में उसकी ये जीत लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बेहतर कर सकती है। हालांकि पार्टी को यह हौसला इसी तरह बरकरार रखना होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। ये झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर यही नतीजे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोट में बदले तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। यानी अगर हम इसको देखें कि ये जो विधानसभा सीटें हैं, इनके वोट जोड़ के अगर लोकसभा सीटों में इनको कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तो क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 65 लोकसभा सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन अगर तीनों राज्यों के विधानसभा के नतीजों को लोकसभा सीटों में बदला जाए तो राजस्थान में बीजेपी को 12 लोकसभा सीट ही मिलेंगी और उसे 13 सीटों का नुकसान होगा, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें मिलेंगी, उसे 13 सीटों का फायदा होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 10 पर जीत हासिल कर लेगी और उसे 9 सीटों का फायदा होगा। बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट हासिल नहीं होगी वहां से, उसे 10 सीट का नुकसान होगा, जबकि एक सीट बीएसपी को मिल सकती है। ये वाले जो नतीजे आए उनको अगर यही वोट समझ लीजिए लोकसभा के लिए होते तो क्या होता? तो मध्य प्रदेश के अभी तक के नतीजों को अगर लोकसभा में बदला जाए तो बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान होगा और राज्य में उसे केवल 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होगी, जबकि कांग्रेस को 12 सीटों का फायदा होगा, उसे 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो क्या नतीजा बन सकता है वो देखने की कोशिश की हमने। राजस्थान में बीजेपी की हार के साथ ही वसुंधरा राजे का सिंहासन छिन गया। चुनाव में पहले ही लोगों ने उनके खिलाफ नाराजगी की चर्चा की थी और ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी। नतीजों के ऐलान के साथ ही राजस्थान बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा का किला ढहने का जश्न मनाया। उधर बीजेपी के दफ्तरों में जश्न की तमाम तैयारी धरी रह गई। नतीजों के दौरान जयपुर के बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज थी। वहाँ पहले ही पार्टी के कई बड़े नेता जुटे हुए थे, जिसके बाद वसुंधरा राजे भी वहाँ पहुँची। हालांकि चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली हार पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का ट्रेंड तोड़ने का वसुंधरा का दावा पूरा नहीं हुआ और 5 साल बाद फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की जीत को बीजेपी की हार कम, वसुंधरा राजे की शिकस्त ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि लोगों में नाराजगी की चर्चा के बाद भी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिसे कांग्रेस अब लोगों की जीत बता रही है। बर्बाद हो रही इकोनॉमी हमारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए हैं। एक वर्ग ऐसा नहीं देश के अंदर आज, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कि इससे संतुष्ट। राजस्थान चुनाव में बीजेपी की शिकस्त ने वसुंधरा राजे की छवि को भी धक्का पहुंचाया, जिस पर बीजेपी में चर्चा तेज है। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं भवानी सिंह। राजस्थान की बीजेपी की हार के बाद राज्य की सीएम वसुंधरा राजे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है।
वसुंधरा राजे ने राजभवन जाकर राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए वसुंधरा ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि ये काम और ये योजना जो हम लोगों ने चलाए थे उनको आगे ले जाने का काम आने वाली सरकार करेगी। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, तो वसुंधरा राजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो जो योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, उससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकारों की योजनाएं आगे चलाई जाएंगी, ये आम तौर पर इन दिनों की इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात सुनने को नहीं मिलती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने भी बार बार यही कहा कि हम कंटिन्यू रखेंगे उन स्कीम्स को, और वसुंधरा राजे का एक तरह से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रही है वो कोशिश जस्टिफाई करने की कोशिश भी की कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं हुई, सत्ता में नहीं आए, उसके बावजूद भी उतनी खराब नहीं रही जितना परसेप्शन माना जा रहा था, क्योंकि लास्ट तक कांग्रेस को जूझना पड़ा था बहुमत तक पहुंचने के लिए। जी जी, शुक्रिया भवानी आपका। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सरकार में वापसी कर सकती है, वहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है, नतीजे अभी तक हालांकि साफ नहीं है। हालांकि रुझान मिलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो भोपाल के पार्टी दफ्तर पर हाथों में गदा लेकर पहुंचे। भगवान हनुमान जी का कहना है, कांग्रेस का कहना साहब, बीजेपी का पत्ता साहब। नतीजे आने शुरू हुए तो पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। कांग्रेस की सीटों का ग्राफ बढ़ते ही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी शुरू कर दी। इसके बाद राहुल गांधी समेत पार्टी के आला नेताओं के लिए जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस दफ्तर पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे और दोनों नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। उधर नतीजे आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर पर भी सियासी हलचल बढ़ गई और वहां भी कांग्रेस समर्थकों ने तस्वीर साफ होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कमलनाथ के घर पहुंच गए। नतीजा पूरा आने दो, उसके बाद आपके साथ हम चर्चा करेंगे। आपके चेहरे पर खुशी काफी दिखाई दे रही है। मेरी खुशी तब होगी जब अंतिम मतगणना होगी। हालांकि चुनावी नतीजों में सीटों का ग्राफ गिरता संभलता रहा, लेकिन कमलनाथ राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर कायम दिखे। भोपाल के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ता खुशी मनाते नजर आए तो दिग्गज नेता सरकार के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। सौभाग्य की बात यह कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन गुटबाजी पर लगाम लगाकर कांग्रेस ने वहां शानदार प्रदर्शन किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद एनडीए में ही घमासान शुरू हो गया। इन चुनावों को 2019 में दिल्ली की सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार जाते ही उसके अपने सहयोगियों के ही सुर बदल गए। एनडीए से अलग हटकर आम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी शिवसेना ने बीजेपी पर सहयोगियों की अनदेखी का आरोप लगाया। सबसे बड़ा झटका है एनडीए को, एनडीए को नहीं बीजेपी को है। अगर एनडीए को ये संभाल कर रखते हैं, इंडिया का कुनबा, तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। शिवसेना की तरह बीजेपी के एक और पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी मोदी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने ठीक कहा है। हम स्किल एजुकेशन लेकर आए, स्किल एजुकेशन के लिए हमने यहाँ इंस्टीट्यूशन बनाई, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सब की समीक्षा करने की जरूरत है। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लेने की सलाह दी। तो यूपी में बीजेपी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्यों में हुई हार के बहाने बीजेपी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। 14 में जब चुनाव बीजेपी देश के चुनाव को जीती, उसके बाद बीजेपी को ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारा कोई देश में मुकाबला करने को तैयार नहीं। कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। राजभर ने भी बीजेपी को सहयोगियों को साथ लेकर चलने की नसीहत दे दी। हालांकि शिवसेना और अकाली दल के उलट जेडीयू का सुर काफी नरम रहा, उसके नेताओं ने चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी का बचाव किया।
और ये भी दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के मतदाताओं की पहली पसंद होंगे। जब देश के चुनाव होंगे तो अलग अलग राज्यों के संदर्भ में बातें होंगी और स्थानीय सरकारों ने क्या किया वो तब कल वो सवाल नहीं होंगे, तब देश को प्रधानमंत्री चुनना होगा। इसलिए लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एनडीए मजबूत स्थिति में एक बार फिर से उभर कर गया। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार की वजह से बैकफुट पर खड़ी बीजेपी ने इन नतीजों को केवल राज्यों तक सीमित बताया। केंद्र में मुझे लगता है कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी क्या है कि देश में किसी भी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। बीजेपी नेताओं ने 2019 में भी एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। सौभाग्य की बात यह कि हार का रिश्तेदार कोई नहीं होता। लगातार जीत के बाद अगर बीजेपी को हार मिली है तो अपने भी आईना दिखाने का मौका नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी के लिए 2019 से पहले ये आत्ममंथन का मौका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नतीजों से खुश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस में कवायद तेज हो गई। सीएम पद के लिए मुख्य मुकाबला भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच माना जा रहा है। हालांकि इस जोर आजमाइश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी का ढोल बजाकर स्वागत किया। इस दौरान पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहीं और इन लोगों ने भी ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे टीएस सिंहदेव ने पार्टी को मिली जीत का श्रेय पार्टी आलाकमान को दिया, लेकिन सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल को टाल गए। अगर तेजी से आपके तरफ गई तो सीएम आप ही होंगे कि भूपेश बघेल को बनाएंगे? नहीं, विधायक दल का कोई सदस्य होगा, जो विधायक चुन के आएंगे वो आपस में राय शुमारी करेंगे। हालांकि टीएस सिंहदेव ने यह साफ कर दिया कि राहुल गांधी विधायकों की राय जानने के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। वहीं 15 साल बाद सत्ता में वापसी से खुश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भी साफ किया कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। क्या आपको सीएम के रूप में देख सकते? देखिए, ये जो सवाल है वो हाईकमान का है, हाईकमान जो निर्देश देंगे उस हिसाब से सब काम होगा। सौभाग्य की बात यह कि मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर राहुल गांधी ही लगाएंगे। विधायकों की राय शुमारी सिर्फ एक औपचारिकता होगी। पार्टी को देखना होगा कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में कौन 2019 के लिहाज से अहम है या फिर किसी तीसरे नाम को आगे लाया जाए। तीन राज्यों में मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला और उनकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को बीजेपी की हार की अहम वजह बताया। तीन प्लेटफॉर्म पे वो इलेक्ट हुए, रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान। और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट। और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है। साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहने को बीजेपी की हार की बड़े वजह बताया। जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के बारे में वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए, वो तो बड़ा क्लियर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को मिली सफलता से जोश में आए राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराने का दावा कर दिया। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे। छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाने का दावा करने वाले रमन सिंह का जादू नहीं चला। राज्य में इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। साथ ही ये बात भी साफ हो गई कि इस बार के विधानसभा चुनाव में रमन सिंह की कोशिशें कामयाब नहीं रही। यही वजह रही कि नतीजों के दौरान रमन सिंह के बंगले के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। हाँ, इस जनादेश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम हाउस के बाहर एक तरह से कहें कि सन्नाटा पसरा हुआ है और केवल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद शाम को रमन सिंह सामने आए और छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। वहीं जीत का जश्न मना रही कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी की हार के लिए रमन सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। 15 साल के जो जमे हुए
रमन सरकार है उसको उखाड़ फेंका। रमन सरकार ने जो वादे किए उसे छलने का काम किया, वादा खिलाफी किया उन्होंने धोखा दिया है। हालांकि खुद बीजेपी को छत्तीसगढ़ में इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रमन सिंह उन सीटों को भी बचा पाने में नाकाम रहे जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली 23 सीटों में केवल 9 पर ही बीजेपी को जीत मिली। उसे 14 सीटों का नुकसान हुआ जबकि कांग्रेस को 14 सीटें, ये जाहिर सी बात है फायदा हुआ क्योंकि ये बीजेपी के गढ़ थे। साथ ही किसानों की रमन सिंह से नाराजगी को भी बीजेपी की हार की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा रमन सिंह को इस बार राज्य में सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ा। सौबात की एक बात यह कि छत्तीसगढ़ में इस बार रमन सिंह की हर कोशिश नाकाम रही। कांग्रेस बिना सीएम दावेदार का नाम पेश किए सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी के नेता अब भी हार के कारणों पर विचार की बात कह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मंदिर मंदिर घूमने की रणनीति निर्णायक साबित हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने राज्य की जिन सीटों पर मंदिर दर्शन किए नतीजों में वहां कांग्रेस की जीत तय हो गई। और इसके साथ ही राजस्थान में राहुल गांधी के नाम के नारे गूंजने लगे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि राहुल गांधी के मंदिर दर्शन का आशीर्वाद पार्टी को मिला। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में राजस्थान के 4 से ज्यादा जिलों के अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए थे। इनमें पुष्कर मंदिर में पूजा के दौरान उनके गोत्र को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसे बीजेपी ने तूल देने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मंदिर वाली ज्यादातर सीटों पर उल्टे बीजेपी को ही हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के मुताबिक चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने राजस्थान के जिन इलाकों में मंदिरों के दर्शन किए उनका प्रभाव 46 सीटों पर था, जिनमें कांग्रेस 26 सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाब हुई, जबकि बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा और वो 20 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन के लिए जिन जिलों को चुना था उनमें अजमेर, पुष्कर, बांसवाड़ा जिले अहम थे जहां बीजेपी का दबदबा था, लेकिन राहुल गांधी ने इन जिलों में मंदिर मंदिर घूमकर सियासी समीकरण ही पलट दी। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी मंदिर दर्शन की उनकी रणनीति कारगर साबित हुई। इसका प्रभाव वहां के चुनाव नतीजों पर भी दिखा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन मंदिरों के दर्शन किए उनके आसपास की ज्यादातर सीटें कांग्रेस को गईं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ की थी। इसके बाद वो दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने उज्जैन में महाकाल का भी आशीर्वाद दिया था और नतीजे बताते हैं कि उन्हें आशीर्वाद मिला भी, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के मंदिर दर्शन वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि मंदिर मंदिर घूमकर राहुल गांधी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में भी सफल रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में मंदिरों में दर्शन किए उनका प्रभाव 47 सीटों पर था, जिनमें कांग्रेस ने 13 सीटों के फायदे के साथ 25 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, वो 21 सीटें ही जीत पाई। राहुल गांधी ने उज्जैन, ग्वालियर, सतना, खंडवा और दतिया जैसे बीजेपी के दबदबे वाले जिलों में काफी जोर लगाया था और वहां चुनाव प्रचार की शुरुआत मंदिरों के दर्शन से की थी। नतीजों में इन सीटों पर कांग्रेस को निर्णायक जीत मिली, हालांकि अंतिम नतीजों के बाद ये सीटें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती। सौ बात की एक बात यह कि कर्नाटक और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी का टेम्पल रन कारगर रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक के बाद एक बीजेपी पर जबानी हमलों की झड़ी लगा दी, जिसकी शुरुआत राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की, जिन्होंने सरदार पटेल के बहाने पीएम और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा वार किया। सरदार पटेल होते तो पता नहीं मोदी जी और अमित शाह जी हो सकता जेल के अंदर होते जेल के अंदर होते, इतना बड़ा मासेकर हो जाए गुजरात के अंदर, वो आदमी बाहर कैसे हो सकता है? अमित शाह जी और मोदी जी सरदार पटेल होते तो दोनों जेल में होते। तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत से गदगद विपक्ष के नेता महागठबंधन के सुर अलापने लगे। कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, वो इंतजार जो है वो 19 का और कर ले, इंतजार उनका जो है वो इंतजार ही रहेगा और बड़े पैमाने पर जो एक गोलबंदी अपोजिशन की है इनको हराने का काम करेंगे। विपक्ष के हमलों के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पर बड़ा वार किया। 2019 फाइनल मैच, द गेम इज क्लियर, काउंटडाउन स्टार्टिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, द अपोजिशन इज ऑलरेडी टुगेदर। वहीं सोमवार को दिल्ली में हुई विपक्ष की बैठक से नदारद रही समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की हार पर निशाना साधने से नहीं चुकी। बीजेपी की गलत नीतियों से देश बर्बाद हो गया, जनता दुखी है
और ये 19 में जनता इनको पूरी तरह उतार देगी। तीन राज्यों में जीत के नतीजों को विपक्ष 2019 की आहट बता रहा है। वहीं बीजेपी इस हार से सबक लेते हुए 2019 में अपना किला बचाने की तैयारी में जुट गई। सौभाग्य की बात यह कि विधानसभा चुनाव में हारने बीजेपी के विजय रथ के आगे अड़ंगा डाल दिया है। जाहिर है विपक्ष इसमें अपने लिए 2019 की संभावना देख रहा है, लिहाजा नेताओं के बयान आक्रामक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दावेदारी तेज कर दी। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों नेताओं के समर्थक अपनी मांग पार्टी हाईकमान के सामने रख चुके हैं, जिसकी एक वानगी भोपाल कांग्रेस दफ्तर पर जीत के जश्न के दौरान भी दिखाई दी, जहां कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अपने अपने नेता के बड़े बड़े कटआउट लेकर पहुंच गए। यहां देखिए दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कटआउट यहां पर लेकर के और एक यूथ ब्रिगेड के जितने लड़के हैं वो यहां पर मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाए। इधर जय जय कमलनाथ की तस्वीरें, जय जय कमलनाथ के नारे, ऊपर भोलेनाथ नीचे कमलनाथ के नारे, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहां पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस दौरान कांग्रेस ऑफिस में मौजूद दोनों नेताओं के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारे भी लगाए। न्यूज 18 से बातचीत में कमलनाथ और सिंधिया के समर्थकों ने पार्टी हाईकमान से अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। आप लोगों के सर्वे में कहा गया था कि 40-50% जनता जो है सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो हमारी तो यही मांग है राहुल गांधी जी से, कमलनाथ जी ने सारे नेताओं से रणनीति बनाकर और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन समर्थकों ने भरोसा जताया कि कांग्रेस अध्यक्ष उनकी मांग की अनदेखी नहीं करेंगे। हालांकि समर्थकों की मांग के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां पहले से ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद थे। लेकिन इस दौरान जब न्यूज 18 ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीएम को लेकर सवाल किया तो वो टाल गए। एक हमेशा वाला सवाल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखिए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी सीधे दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं और कमलनाथ के घर यहाँ पर पहले से ही दिग्विजय सिंह मौजूद है। तो वहीं सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे कमलनाथ भी मुख्यमंत्री के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचे। तेलंगाना में चुनाव के नतीजे आते ही हैदराबाद में टीआरएस के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। वहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गई, जिसके बाद उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी बेटी और टीआरएस सांसद के कविता के घर के बाहर जुटे और आतिशबाजी शुरू कर दी। इस बीच शानदार जीत की खुशी में डूबा टीआरएस का एक कार्यकर्ता पार्टी का बड़ा सा झंडा लहराने लगा, जिस पर उसके साथ मौजूद टीआरएस के दूसरे कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष और सीएम के चंद्रशेखर राव के समर्थन में नारे लगाने लगे। भारी जीत से उत्साहित टीआरएस कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया। इस बीच के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस सांसद के कविता अपनी गाड़ी से बाहर निकली और उन्होंने गाड़ी से ही हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया, जिस पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर नारेबाजी की। किसी तरह टीआरएस सांसद की सुरक्षा में तैनात जवानों ने उनके लिए वहां से निकलने का रास्ता बनाया, जिसके बाद वो पार्टी दफ्तर के लिए निकल पड़ी। हालांकि सीएम चंद्रशेखर राव ने तय समय से करीब 6 महीने पहले ही विधानसभा भंग करके चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन टीआरएस को इसका फायदा ही मिला, क्योंकि तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली टीआरएस ने 25 सीटों के फायदे के साथ 88 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि टीडीपी समेत 4 पार्टियों के साथ प्रजाकुटमी नाम का गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार भी 22 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि तेलंगाना चुनाव में अकेले ताकत आजमा रही बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ, वो 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। वहीं के चंद्रशेखर राव की पार्टी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने फिर 7 सीटों पर जीत दर्ज की। तेलंगाना में टीआरएस की जोरदार वापसी ने राज्य की सियासत भी गर्मा दी, क्योंकि उसके नेताओं ने 4 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने वाली कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। यहाँ पर केसीआर साहब के ऊपर भरोसा है, ये छोरा तो इलेक्शन टाइम में आके चार बातें करके गए तो कौन भरोसा करता? भरोसा करना कि एक लीडर को भरोसा करना बोले तो उन्होंने क्या करा? टीआरएस ने एक बार फिर कांग्रेस की सहयोगी टीडीपी को तेलंगाना के खिलाफ बताया। इस सियासी बयानबाजी के बीच टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव भी हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर में पहुंचे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पहले से डटे दिखे।
लेकिन बाहर रुकने के बजाय केसीआर का काफिला सीधा दफ्तर के परिसर में घुस गया, जहां गाड़ी से उतरने के बाद केसीआर सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वहां मौजूद लक्ष्मी की प्रतिमा के पास पहुंचे। पूजा अर्चना के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी के चरणों में फूल चढ़ाए, फिर उन्हें एक बड़ी सी माला भी पहनाई। इसके बाद केसीआर ने जीत की बधाई देने के लिए पहुंचे टीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं तेलंगाना में टीआरएस के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने वाली एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्तर पर के चंद्रशेखर राव से गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करने की अपील कर दी। मेरा मानना है कि केसीआर को बहुत आगे जाना पड़ेगा, एक कंट्री को विजन देना पड़ेगा और एक नए भारत के लिए, नए हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है केसीआर को अपना रोल अदा करना। अगर बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है 2019 में, तो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। सवाल की एक बात यह कि चंद्रशेखर राव का जल्दी चुनाव कराने का दांव चल गया। वो वोटरों में अपना भरोसा बहाल रखने में भी कामयाब रहे, बल्कि सच तो यह है कि उनकी सीटें और बढ़ गईं। उनकी इस जीत में असदुद्दीन ओवैसी का योगदान भी अहम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कर सकती है, तो इसके पीछे पार्टी के दो बड़े नेताओं की मेहनत सबसे ज्यादा रही। पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दूसरे युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसलिए माना जा रहा है कि अब सिंधिया या कमलनाथ में ही किसी एक को सीएम बनाया जाएगा। जीत के बाद भोपाल में जब पार्टी के दफ्तर पर जश्न शुरू हुआ तो दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कटआउट हवा में लहराने लगे तो दूसरी तरफ पहले से कमलनाथ की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। दोनों नेताओं के समर्थकों की मांग थी कि उनके नेता को ही सीएम बनाया जाए। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सिंधिया जी को बनाएं। यहाँ पर देखिए, दूसरा ये कांग्रेस दफ्तर के सामने चल रहा है, ये क्या चाहते हो? हम माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस की सरकार जबरदस्त चलेगी। रुझानों में जब कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर गई तो कार्यकर्ताओं से मिलने कमलनाथ भी पहुंच गए। गुलाब के फूलों की पत्तियां बरसने लगी और कमलनाथ की जय जयकार शुरू हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा था, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रेस दिन भर चलती रही। कभी बीजेपी रुझानों में कांग्रेस को पीछे छोड़ देती तो कभी कांग्रेस की बढ़त जादुई आंकड़े के पार दिखने लगती। नतीजों में सबसे अहम सिंधिया और कमलनाथ का अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन भी है, क्योंकि ये आंकड़े राज्य का नया सीएम चुने जाने में अहम साबित हो सकते हैं। कमलनाथ के प्रभाव वाली मध्य प्रदेश की 32 सीटें मानी जाती हैं, जिनमें कांग्रेस को इस बार 22 पर जीत हासिल हुई। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली राज्य की कुल 41 सीटें मानी जाती हैं। इन सीटों पर तो कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। 41 में कांग्रेस ने कुल 30 सीटें जीती, पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 17 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ को रेस में आगे माना जा रहा है। सियासी संकेत भी कमलनाथ के ही पक्ष में दिखे। नतीजों के दौरान कमलनाथ का घर सियासी सरगर्मियों का केंद्र बना रहा, और सबसे पहले दिग्विजय सिंह की गाड़ी कमलनाथ के घर पहुंचती दिखी। थोड़ी देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच गए। सिंधिया दिल्ली में थे और शुरुआती रुझानों में पार्टी को बढ़त मिलती देखने के बाद चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीधे यहीं कमलनाथ के घर पहुंचे हैं, अब पहले से ही दिग्विजय सिंह यहां पर हैं। लेकिन परिपक्व नेता की तरह सिंधिया गिनती पूरी होने तक नतीजों पर नहीं बोले। चेहरे पर खुशी काफी दिखाई दे रही। मेरी खुशी तब होगी जब अंतिम मतगणना होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने का। कमलनाथ के घर के बाहर समर्थकों के अलावा एक पंडित भी पहुंचे थे। पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 140 सीट जीतेगी और राज तिलक कमलनाथ का होगा। हम जो कह रहे भविष्यवाणी वो सत्य होगा। क्या भविष्यवाणी? भविष्यवाणी ये 140 सीट आएंगी, कमलनाथ जी राज तिलक करेंगे। हालांकि पंडित भी घंटों तक घर के बाहर ही इंतजार करते रहे। दिन भर सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ ही रहे और घटते बढ़ते रुझानों पर नजर रखते रहे। सवाल की बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव वाले इलाके में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहे। वो नौजवान चेहरा भी हैं जिन पर कांग्रेस इस वक्त सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, लेकिन 2019 के लिहाज से उसे अनुभवी राजनीतिज्ञ की जरूरत होगी। चुनावी नतीजे आने के साथ ही खुद बीजेपी के भीतर भी सवाल उठने लगे। महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय ककड़े ने केंद्र सरकार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। राम मंदिर बनाएंगे, स्टैचू बनाएंगे या नामकरण करेंगे, या परसों अभी जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हनुमान की जात ओबीसी थी, ये हम लोग डेवलपमेंट से भटक गए ऐसा लग रहा है मुझे।
राजस्थान की जीत कांग्रेस के लिए कई मायने में खास है। 5 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 3/4 से ज्यादा सीटें हासिल की थी और अब 5 साल के बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी की बड़ी वजह है कि तकरीबन हर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान की ऐसी 30 सीटें हैं जहां जाट समुदाय के वोट निर्णायक हैं और कांग्रेस को इनमें 18 सीटें हासिल हुई। पिछले चुनाव के मुकाबले 13 सीटों का फायदा हुआ जबकि बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हुआ। ये ऐसी सीटों में ऐसी 32 सीटें हैं जहां राजपूत समुदाय के वोट निर्णायक हैं। इन सीटों पर कांग्रेस को 13 सीट का फायदा हुआ, बीजेपी को 16 सीट का नुकसान हुआ। राजस्थान की 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। इन सीटों में कांग्रेस को इस बार 7 सीटें हासिल हुई, 7 ही सीटों का फायदा हुआ, यानी पिछली बार इन सीटों में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। तो राज्य की ऐसी 27 सीट हैं जहां SC वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इन सीटों पर भी कांग्रेस को इस बार 14 सीटों का फायदा हुआ, बीजेपी को इतनी ही सीटों का नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। गुजरात, पंजाब और कर्नाटक में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के लिए एक बार फिर ये खुशी का मौका। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव के नतीजों में ही लोकसभा चुनाव की झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सारे षड्यंत्र इस्तेमाल कर लिए लेकिन जनता फिर भी जनता का जो रुझान है वो है कि अब बदलाव होना चाहिए। अब इन लोगों से तंग आ चुके हैं और यही बदलाव की राजनीति आपको 2019 में दिखाई देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का क्रेडिट राहुल गांधी को देना नहीं भूले। ये तो राहुल गांधी का विजय है और कांग्रेस पार्टी का संदेश लोग समझ रहे हैं और ये संदेश का ये जो मेघदूत है ये तो अपना राहुल गांधी है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से बीजेपी के माथे पर शिकन आ गई है। हालांकि बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे को अलग बताकर हार की भरपाई करने की कोशिश करते नजर आए। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने एक बार फिर मोदी लहर की बात दोहराई और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। मोदी की लोकप्रियता पर कहीं दूर दूर तक आंच आने की कोई संभावना नहीं है और मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी 2019 में भारी बहुमत सरकार नहीं बनाएंगे, साक्षी मारा राजनीति छोड़ दें। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जता रही है और पार्टी के नेता लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, इसीलिए पार्टी के नेता हार के कारणों पर विचार की बात कहकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मान रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पहल शुरू कर दी जाएगी। हमने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वो किसान कर्जा माफी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। यही नहीं, 3 राज्यों में बीजेपी पर बढ़त बनाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के दावे पर भी निशाना साधा। हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते। अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उसे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे, बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विकास में योगदान के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का आभार जताया और विकास के काम को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए किया, काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और अब बदलाव का समय है तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और मतदाताओं ने 15 साल बाद रमन सिंह सरकार को विदाई दे दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार की बड़ी वजह उसका आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों में खराब प्रदर्शन रहा। ऐसी सभी सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया जिसकी वजह से बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी और नतीजे आए तो रायपुर के बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। पार्टी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि नक्सल प्रभावित इलाके और आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर उसे इतना नुकसान हुआ। सुदूर बस्तर में रहने वाले उस आदिवासियों की भी चिंता की, सरगुजा के आदिवासियों की चिंता की और लगातार धरातल पर भी विकास किया और इस कारण हमको लगता है कि इतना सब करने के बाद यदि ये रुझान है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह के आवास पर भी सन्नाटा नजर आया। जो आदिवासी समुदाय में चौर वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय रहे हैं लेकिन चौथी बार CM बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था लेकिन ऐसी कुल 35 सीटों में बीजेपी को इस बार सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई, उसे 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा जबकि कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा हुआ, उसे 29 सीटें मिली।
अजीत जोगी की पार्टी को वहां एक भी सीट नहीं मिली। इसी तरह आदिवासी समुदाय के प्रभाव वाली 33 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें मिली, उसे 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की, उसे 8 सीटों का फायदा हुआ। वहां 2 सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी कब्जा जमाया, जो अजीत जोगी की पार्टी है। 100 बात की एक बात यह कि छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित और आदिवासी समुदाय के प्रभाव वाली सीटें तय करती हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। इन सीटों पर 2013 में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार वहां वोटर ने उसको नकार दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह उन सीटों पर पार्टी का पिछड़ना रहा जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। ऐसी सीटों में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही और बीजेपी को ऐसी 54 सीटों में सिर्फ 30 सीटें हासिल हुई। उसे 15 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा हुआ। उसने 23 सीटों पर कब्जा जमा लिया, एक सीट अन्य के खाते में भी गई। ऐसे इलाकों में फसल की सही कीमत और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर किसान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आंदोलन के दौरान मंदसौर में हुई पुलिस फायरिंग से कई किसानों की मौत हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने किसानों को बड़ा मुद्दा बनाया और मौजूदा चुनाव में सरकार बनते ही कर्ज माफी का वादा करके उनको अपनी ओर करने की कोशिश भी की। कांग्रेस का ये दांव काफी हद तक कामयाब साबित हुआ। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस 3 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो पार्टी नेताओं ने खुलकर इसका क्रेडिट पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को दी और पार्टी मुख्यालय पर लगी होर्डिंग में भी ये बात साफ कर दी गई। एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है जिसमें लिखा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय और तमाम कांग्रेस के नेताओं के फोटोग्राफ भी इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि ये होर्डिंग पहले से ही तैयार किए गए थे, बनाए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया। पार्टी दफ्तर के सामने आतिशबाजी हुई और पार्टी अध्यक्ष के लिए जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के नेताओं ने इस बंपर जीत का श्रेय राहुल गांधी के नेतृत्व को दिया। एक साल आज हुए हैं राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बने हुए, तो एक साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने करीब करीब 20 साल कांग्रेस चलाई है, उसी को आगे ले आ रहे हैं। जिन लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी का, गुजरात से लेके आज तक उनको मुंह तोड़ जवाब अवश्य जनता ने दिया है। वहीं चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने तो राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री भी बता दिया। जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है और परमात्मा की आवाज ने मचा दी है भारतीय जनता पार्टी में खलबली और उद्घोषणा की है कि राहुल गांधी नए महाबली। सिद्धू ने दावा किया कि इन चुनाव नतीजों का असर 2019 के आम चुनावों पर भी पड़ेगा। सवाल की बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये नेता के तौर पर राहुल गांधी को एक नई ताकत दी है। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं का भरोसा उनके नेतृत्व पर बढ़ेगा और अब कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ 2019 में उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश कर सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे उनमें कई सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। माना जा रहा है कि उम्मीदवार बदलने की वजह से बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत भारी पड़ी, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचा। जबकि उम्मीदवार बदलने का फैसला बीजेपी के लिए गलत साबित हुआ। उसने चुनाव में 50 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, अपने उम्मीदवार बदल दिए थे, जिसकी वजह से उसे 31 सीटों का नुकसान हुआ, 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने जिन सीटों को गंवाया उनमें कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा जमाया, जो उसके लिए बड़ी जीत है। बीएसपी ने भी इनमें एक सीट पर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने चुनाव में कांग्रेस से टक्कर को देखते हुए इन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे, लेकिन उसे इसका भारी नुकसान हुआ। वहीं जिन नेताओं को टिकट कटे उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और ये बगावत नतीजों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नतीजों के बहाने सीधे पीएम पर निशाना साधा। चव्हाण ने दावा किया कि पीएम देश की जनता का भरोसा खो चुके हैं। कि सरकार के साथ मोदी जी के साथ में अब देश की जनता नहीं रही और आने वाले समय में कांग्रेस हर स्टेट में महाराष्ट्र जैसे स्टेट में उभर कर कांग्रेस यहाँ जीतेगी। जयपुर में कांग्रेस की जीत के साथ ही सीएम पद की रेस भी शुरू हो गई और जीत के जश्न के बीच कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के समर्थकों ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज कर दी, जिसकी एक बानगी जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर देखने को मिली। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा? पार्टी की जीत से उत्साहित अशोक गहलोत के समर्थकों ने उनको फिर से राज्य की कमान सौंपने की मांग की। राजस्थान की जन जन की आवाज है,
कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे तो लोकसभा की सीटें ज्यादा आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के घर भी उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक भी अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। हमारा सीएम कहता है सचिन पायलट इतना ही नहीं, सचिन पायलट के समर्थकों ने दावा किया कि उनके नेता ही राज्य के अगले सीएम होंगे। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री का दावेदार भी मान रहे हैं आप लोग? 5 साल से जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलेगा और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर तेज हुए घमासान के बीच पार्टी ने केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे को जयपुर भेज दिया। जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर विधायकों से बात करेंगे। दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने मुलाकात की। हालांकि जीत के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से अलग अलग बात की, लेकिन सीएम पद का जिक्र आते ही दोनों ने गेंद आलाकमान के पाले में डाल दी। अति सही लोग होते हैं जो नारे लगाते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन बनेगा, ये आप जाके हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूछिएगा। आप किसको क्या पद मिलेगा इसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के विधायक, सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं ने सत्ता में वापसी का श्रेय राहुल गांधी को दिया। हालांकि सचिन पायलट के समर्थक दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों के सामने भी अपनी मांग उठाने से नहीं चुके। इसी घमासान के बीच पर्यवेक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने पर्यवेक्षकों के सामने ही अपने नेता के समर्थन में नारे लगाए। जिस वक्त ये नारेबाजी हुई वहां अशोक गहलोत भी मौजूद थे। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिन पायलट के समर्थकों ने अशोक गहलोत की कार को घेरकर अपने नेता के समर्थन में जमकर नारे लगाए। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने साफ कर दिया कि विधायकों से बातचीत के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। सभी लोग यहां पर आए हुए थे, सभी जोश में उत्साह आज जीत का उत्सव मना रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें पर्यवेक्षक सभी जीते हुए विधायकों से बात करेंगे। सौभाग्य की एक बात यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेता सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। एक युवा चेहरा है तो दूसरा सियासत का अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन आखिरी फैसला करने से पार्टी को 2019 का भी ध्यान रखना होगा। वहीं मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों की जिन 25 सीटों पर बीजेपी का दबदबा माना जाता था उनमें कई सीटों पर कांग्रेस उसे पटखनी देने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों की 25 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 15 सीटें बीजेपी के ही खाते में गई, लेकिन उसे इन इलाकों में 8 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। जबकि शहरी इलाकों में कमजोर मानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें ज्यादा जीतकर पिछली बार के मुकाबले शहरी इलाकों में अपना स्कोर 10 सीटों तक पहुंचा दिया। पिछली बार 2 था। शहरी इलाकों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे बेरोजगारी और बिजली पानी की समस्याओं को बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, जिन पर बीजेपी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और उसने नुकसान को देखते हुए अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नतीजों में उसका प्रभाव नहीं दिखा और शहरी इलाकों की सीटों पर भी कांग्रेस बीजेपी पर काफी हद तक भारी साबित हुई। अंतिम नतीजों के बाद ये नुकसान कम और बढ़ भी थोड़ा सा सकता है। मिजोरम में कांग्रेस की बुरी हार के साथ ही पूर्वोत्तर में उसका आखिरी किला ढह गया, जबकि पूर्ण बहुमत के साथ MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की। और इस जीत की खुशी मनाने के लिए राजधानी आइजोल में MNF कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए और हाथ में झंडा लेकर नाच गाकर जश्न मनाया। जबकि इससे पहले शुरुआती रुझानों में जीत की ओर बढ़ रहे MNF कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा थे और जैसे ही आंकड़े जीत की ओर बढ़े उन्होंने वहीं खुशी मनानी शुरू कर दी। MNF की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जोराम थंगा ने अपने कार्यकर्ताओं और मिजोरम की जनता का शुक्रिया अदा किया। By using the agriculture product, the horticulture product and the forest product, we will develop Mizoram and make an economic development. वहीं जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और मिजोरम में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके ललथन हावला ही अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। नतीजों के मुताबिक मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपनी चेरचिप और जम्फाई दक्षिण सीटें गंवा दी और कांग्रेस मिजोरम की 40 सीटों में सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। और वहीं मिजोरम के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने एक सीट पर जीत के साथ खाता खोला, जबकि राज्य में MNF ने 40 में 26 सीटों पर भारी वोटों से जीत हासिल की और निर्दलीयों को 8 सीटें।
और नतीजों के साफ होते ही मिजोरम में सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई। बहुमत का आंकड़ा पार करते ही एमएनएफ अध्यक्ष जोरामथंगा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिलने पहुंचा और अपने 26 विधायकों के बूते गवर्नर के राजशेखरन से जल्द मिजोरम में सरकार बनाने का दावा पेश किया। माय पार्टी गॉट अ सीट ऑफ 26, वी क्लेम द गवर्नमेंट एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पार्टी। वहीं मिजोरम में कांग्रेस की बड़ी हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ललथन हावला ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दस साल से सत्ता पर काबिज ललथन हावला राज्य में पार्टी की हार से काफी निराश दिखे। सौबात की बात है कि मिजोरम की हार के साथ ही पूर्वोत्तर से कांग्रेस का सफाया हो गया। तीन हिंदी प्रदेशों में वापसी के साथ कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर। एमएनएफ ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज कराई। नतीजों के दौरान राजस्थान की वीआईपी सीटों पर न्यूज 18 इंडिया की खास नजर रही। राज्य में दोनों बड़ी पार्टियों के कई बड़े नेताओं की किस्मत इन चुनाव में दांव पर लगी थी। इनमें सबसे पहला नाम राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का रहा, जो अपनी पार्टी को सत्ता में दोबारा वापसी तो नहीं दिला पाई, लेकिन झालरापाटन सीट से उन्होंने चौथी बार चुनाव जीत लिया। वसुंधरा राजे ने अपनी ही जाति के वहां चुनाव जीता जहां उनके खिलाफ मानवेंद्र सिंह उनके खिलाफ खड़े हुए थे, जो ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। दूसरी अहम सीट उदयपुर की रही, जहां राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस की बड़ी नेता और उदयपुर लोकसभा सीट से तीन बार सांसद रही गिरिजा व्यास को हराया। इसी तरह टोंक सीट भी रही, जहां सचिन पायलट ने बीजेपी के उकलौते मुस्लिम उम्मीदवार और बीजेपी सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री यूनिस खान को बड़े अंतर से हराया। वहीं दो बार राजस्थान के सीएम रह चुके अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी नेता शंभू सिंह खेतासर को लगातार दूसरी बार हराया। तो कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता सीपी जोशी ने नाथद्वारा सीट पर बीजेपी के महेश प्रताप सिंह को हराया, जो चुनाव से एन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले हुए आखिरी चुनाव कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी के लिए भी अच्छी खबर लेकर आए। उन विधानसभा सीटों के नतीजे खासतौर पर कांग्रेस के पक्ष में गए जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसीलिए राहुल गांधी की युवा फौज ने जबरदस्त उत्साह के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न केवल जीत वाले राज्यों तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने का मौका नहीं चूका। कोलकाता में भी रंगे पुते कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। महीने भर पहले बीती दिवाली और तीन महीने बाद आने वाली होली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक साथ मना ली। जोश का आलम यह था कि कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। कांग्रेसियों की खुशी का आलम यह था कि जीत के लिए आतिशबाजी पुदुचेरी में भी हुई। भुवनेश्वर में भी कांग्रेसियों की फौज न आतिशबाजी में पीछे रही, न ढोल बजाने में और न ही मिठाई खिलाने में। लोकसभा चुनाव से पहले मिली इस जीत ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का जोश भर दिया, जिसकी बड़ी वजह यह रही कि इस चुनाव में केवल जीत ही नहीं मिली बल्कि राहुल गांधी का करिश्मा भी दिखा। जिन सीटों पर राहुल गांधी प्रचार के लिए पहुंचे वहां हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में हो गया। मध्य प्रदेश में जहां राहुल गांधी ने रैली की वहां कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 40 सीटों का फायदा हुआ। राजस्थान में राहुल गांधी जहां रैली करने पहुंचे थे वहां कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 38 सीटों का फायदा हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता से बाहर होता देख सोशल मीडिया पर विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। विपक्ष ने इन नतीजों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का संकेत बताया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी का नाम लिए बगैर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि अब की बार खोदी सरकार। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया और ट्वीट किया कि मोदी राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल का समर्थन करने में देर नहीं लगाई और ट्वीट किया कि आज के चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे ही नहीं, जुमलेबाजों की राष्ट्रीय विदाई तय है। सोशल मीडिया पर बीजेपी पर हमलों के साथ ही कांग्रेस को बधाई मिलने का भी सिलसिला शुरू हो गया और सोमवार को ही मोदी सरकार से इस्तीफा देने वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी को बधाई दी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी तीन राज्यों के नतीजों के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लेने से नहीं चुके और ट्वीट किया कि लोकतंत्र में हमेशा जनहित की ही जीत होती है, जुमलेबाजी की पोल एक दिन खुल ही जाती है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की जीत में अहम रोल निभाने वाले अशोक गहलोत ने भी पीएम को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया
कि मोदी जी सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे। ये पता नहीं है उनको कि भारत कभी कांग्रेस मुक्त नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। मोदी जी अहम और घमंड में रहे। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि जो उनका ऑरा उस वक्त बना वो 5 साल रहेगा और वही 50 साल रहेगा। कांग्रेस ने 3 राज्यों के नतीजों को नफरत की राजनीति की हार बताया। सौभाग्य की बात यह कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, जिसने कांग्रेस ही नहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी उम्मीद जगा दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होने स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्रामीण सीटों पर काफी जोर लगाया था और नतीजों में उसे इन सीटों पर फायदा भी मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी का दबदबा माना जाता था, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को उसके ही गढ़ में पटकनी दे दी। नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की 194 सीटों पर बीजेपी ने 44 सीटों के नुकसान के साथ 88 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। वहीं जितनी सीटों का नुकसान बीजेपी को पहुंचा, लगभग उतनी ही सीटों का फायदा नतीजों में कांग्रेस को मिला। यानी सीटें इधर से उधर ट्रांसफर हो गई। कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों की 99 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में सीटों का इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मंदसौर कांड के बाद से बड़ी संख्या में किसान बीजेपी से नाराज थे। वहीं जिन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था उन पर कांग्रेस ने काफी पसीना बहाया था। यही वजह है कि नतीजों में वो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पर भारी साबित हुई। हालांकि अभी अंतिम नतीजे नहीं आए, लेकिन सीटें मोटे तौर पर तस्वीर यही निकल कर आ रही, क्योंकि राज्य की 200 सीटों में 87% सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां कांग्रेस कर्ज माफी जैसे चुनावी वादों के जरिए इन सीटों पर किसान वोटरों को लुभाने में कामयाब रही, जिसकी वजह से उसे ग्रामीण इलाकों में 69 सीटों पर फायदा पहुंचा और कांग्रेस ग्रामीण इलाकों की 174 सीटों में 88 सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि किसानों के प्रदर्शन की वजह से बैकफुट पर चल रही बीजेपी को 79 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में उसकी सीटें 60 तक ही सीमित रह गई। वहीं इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही मायावती की पार्टी बीएसपी भी 4 सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गई और उसके 7 प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ रहे 16 प्रत्याशी भी चुनाव जीत गए, जबकि पिछली बार इनकी संख्या 10 थी। यानी ग्रामीण इलाकों में पड़ने वाली सीटों पर सबने बढ़त बनाई, जिसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ यही हाल राजस्थान के शहरी इलाकों में पड़ने वाली 25 सीटों पर रहा, जहां कांग्रेस बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर शहरी मतदाताओं को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही, जबकि शहरी विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की अच्छी पैठ, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी मजबूत बढ़त बना ली, जिसकी वजह से उसकी सीट 1 से बढ़कर सीधे 10 हो गई, जबकि शहरी मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखने वाली बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उसको सिर्फ 13 सीटों पर कामयाबी मिल पाई। इन शहरी सीटों में निर्दलीय तौर पर भी 1 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहा। सौ बात की एक बात यह कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत में ग्रामीण सीटों का बड़ा योगदान है। किसानों से किए वादे ने भी उसकी मदद की। यही वजह है कि पार्टी को इन सीटों पर जीत हासिल हुई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सबको बधाई दी। पीएम ने लिखा कि जीत के लिए कांग्रेस को बधाई, तेलंगाना में जबरदस्त जीत के लिए केसीआर को बधाई और एमएनएफ को मिजोरम में असरदार जीत की बधाई। हम विनम्रता के साथ इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता का शुक्रिया जताता हूं कि उन्होंने हमें राज्य की सेवा करने का मौका दिया। इन राज्यों में लोगों की भलाई के लिए बीजेपी की सरकारों ने बिना थके काम किया। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, कल फिर होगा वक्त 100 बात की एक बात।